इस वीडियो में मैं आपको बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे बेंजीन, तो इनमें जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनसे कि एक नया उत्पाद बन जाता है। तो यह दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी समूह नाभिक स्नेही है, मतलब इसे नाभिक चाहिए, इसलिए यह जो हाइड्रोक्सी समूह है यह इस क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन की जगह ये हाइड्रोक्सी समूह आ गया, इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यह एक नाभिक स्नेही है, इसलिए इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनमें दो तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। एक तो है SN2 अभिक्रिया और दूसरा है बेंजाइन मैकेनिज्म। तो जो ये SN2 जो क्रियाविधि है, इसके बारे में मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपको उस वीडियो को भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और जो SN2 क्रियाविधि है उसके बारे में आप समझ लीजिएगा। अब इस वीडियो में आपको बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बेंजाइन मैकेनिज्म से रिलेटेड ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में SN2 क्रियाविधि के द्वारा प्रतिस्थापन संभव नहीं होता, मतलब वो SN2 क्रियाविधि के द्वारा प्रतिस्थापन नहीं कर सकते, उनमें जो बेंजाइन मैकेनिज्म है उसके द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। तो एक पॉइंट ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा, जो ये अभिक्रिया है उसको बेंजाइन मैकेनिज्म ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये बेंजाइन मैकेनिज्म है वह दो पदों में होता है, जिनमें बीच में एक मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि बेंजाइन होता है। देखिए, एरोमेटिक यौगिक की ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें बेंजाइन मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, ये बेंजाइन है, इसी कारण इसको बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। तो देखिए, अब इसके बारे में, इसका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखिए, ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जो ये क्लोरीन है, जो क्लोरीन परमाणु है वह NH2 के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। देखिए, तो अब यह जो अभिक्रिया हुई जिसमें ये क्लोरीन इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, वह दो पदों में होता है। देखिए, ये है पहला, एक एलिमिनेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप 1, एलिमिनेशन। तो देखिए, ये एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पे है, इसको मैं, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है। तो जो ये क्लोरीन है वो तो अभी वहीं रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। सबसे पहले जो इस पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसके साथ जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बेंजीन बनाना है। देखिए, नट, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ एक कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो जो ये हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन वह इस NH2 के साथ क्रिया कर लेगा, जो हाइड्रोजन है वह NH2 के साथ क्रिया कर लेगा, जिससे वह NH3 बना लेगा। तो ये हाइड्रोजन और ये NH2 क्रिया कर लेंगे जिससे ये NH3 बन जाएगा। उसके बाद जो ये बॉन्ड था हाइड्रोजन का वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, जो बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, ये वाला एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया है। तो जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे तो कमी हो गई, तो इसलिए यहाँ माइनस चार्ज लगा है। उसके बाद जो ये क्लोरीन है वह क्लोराइड आयन के रूप में बाहर चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये हाइड्रोजन है वह NH2 के साथ क्रिया करके NH3 बनाया, फिर यहाँ पर का बॉन्ड यहाँ चला गया तो वो यहाँ आ गया, और यह क्लोरीन एक आयन के रूप में निकल गया जिससे हमें यह बेंजाइन प्राप्त हो गया। देखिए, ये बेंजाइन हमें मिल गया। उसके बाद
एक जो फर्स्ट स्टेप है एलिमिनेशन का वो तो हो गया, ये NH3 तो बाहर निकल गया। उसके बाद जो स्टेप टू है एडिशन, उसमें फर्स्ट जो प्रोसेस की हम लोग वहाँ पे हमें ये बेंजाइन प्राप्त था, तो यह NH3 के साथ फिर से क्रिया करेगा। तो यहाँ पे NH3 के पास लोन पेयर है, तो जो ये जो ट्रिपल बॉन्ड जो यहाँ पे आया था, ये ट्रिपल बॉन्ड फिर से यहाँ पे चला जाएगा, जो पहले उसकी पोजीशन थी वो वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। देखिए जो ये है वो यहाँ चला गया, जिससे यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद जो ये लोन पेयर है और जो ये NH3 है वो इस पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो देखिए वो ये बन जाएगा, देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ माइनस आ गया। और जो NH3 है, जो NH3 है ये, वो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, लेकिन यहाँ पर इसके पास 4 बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद देखिए जो ये माइनस चार्ज है वह इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, 3 ही चाहिए था इसको, तो ये निकल गया, तो इसके पास 3 ही बची, तो ये प्लस चार्ज है वो हट जाएगा और जो हमें जो कंपाउंड चाहिए था वो मिल जाएगा। तो आपको ये बेंजाइन मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको जो पूरा मैकेनिज्म है उसको बता रहा हूँ। जैसे कि जानते हैं, अभी बताया मैं कि ये 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप देखिए, क्लोरीन इस पोजीशन पर है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये प्लस NH2 इससे जुड़ेगा, H2 जुड़ेगा, तो जो ये हाइड्रोजन है वह इसके साथ चला जाएगा, जो इसके पास लोन पेयर है इसके साथ चला जाएगा। तो एलिमिनेशन होना है, मतलब किसी भी चीज़ का बाहर निकलना है, तो ये जो हाइड्रोजन है वह NH2 के साथ निकल के NH3 बना लेगा, NH3 बना लेगा। ठीक है, तो ये एक बार क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो जो ये हाइड्रोजन है वह NH2 के साथ मिलके NH3 बना लिया। उसके बाद जो ये बॉन्ड बचा, ये बॉन्ड बचा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये ट्रिपल बॉन्ड वाला बन जाएगा, ये बनेगा। क्लोरीन तो यहीं रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पहले से एक था और ये भी यहाँ हो गया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई और ये दोनों सेम रहेंगे। उसके बाद जो ये क्लोरीन है वह भी क्लोराइड आयन के रूप में बाहर चला जाएगा, जिससे क्लोराइड भी वापस चला गया, तो हमारे पास बेंजाइन प्राप्त हो गया, ये हमें बेंजाइन प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद यह फिर एक इसके साथ क्रिया करेगा, तो जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये फिर से यहाँ आ जाएगा, और ये जो NH3 है वो है यहाँ आ जाएगा। देखिए क्या क्या हुआ, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है वह यहाँ आएगा और जो ये NH3 है वह यहाँ आएगा, जिससे क्या होगा देखिए मैं बता रहा हूँ। ये ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, उसके बाद NH3 इस जगह में आ गया, तो यहाँ N और H, H और H, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा,
नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है तीन, लेकिन यहाँ पे तीन हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड है तो चार हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद जो अंदर का है ये सेम रहेगा। उसके बाद जो ये माइनस चार्ज है वह इस हाइड्रोजन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे जो हाइड्रोजन है वह यहाँ यहाँ फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर NH2 बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया है, तो इसका प्लस चार्ज है वह भी हट जाएगा। तो जो हमें चाहिए था वह मिल गया है। तो मेरे को यकीन है कि आप ये मैकेनिज़्म समझ आ गया होगा। आप मेरे नोट्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।